हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग शुकिंग इंडिया में। तो फ्रेंड्स, मैं शेफ शगुन आज बनाने जा रही हूँ दिवाली के अवसर पर एक बेहद ही आसान मिठाई। तो आज मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं फिर किचन में और शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक गहरे तले की कढ़ाई गैस पर रख ली है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 250 ग्राम घी। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम बेसन से बेसन के लड्डू बनाने हैं, तो हम घी भी 500 ग्राम ही लेंगे, लेकिन घी को एक साथ कढ़ाई में ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले थोड़ा 250 ग्राम घी इसमें ऐड किया है, उतना ऐड करूँगी, और बाद में जब मुझे ज़रूरत लगेगी उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा घी इसमें और ऐड करूँगी। तो घी को थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना आधा किलो बेसन, जिसे मैंने पहले से ही छान के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर थोड़ा मोटा बेसन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप नॉर्मल बेसन से भी बेसन के लड्डू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए, यहाँ घी गर्म हो गया था और उसमें मैंने अपने आधा किलो बेसन को इसमें ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बेसन ने किस तरह से सारे घी को सोख कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो देखिए, पहले तो मैंने इसको सारे को इसमें मिला लिया है और अब मैंने जो बचा हुआ घी था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से चला लूँगी। तो फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू बनाते टाइम आपके हाथों की एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमें बेसन को लगातार चलाते हुए भूनना है और बेसन को हमें लो फ्लेम पे भूनना है। तो देखिए, बेसन किस तरह से अच्छे से घी में लिपट गया है। इसी तरह से हमें इसी क्वांटिटी का घी इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब हम बेसन के लड्डू खाते हैं तो वो गले में चिपकते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो बेसन होता है वो अच्छे से भूनता नहीं है। अगर हम इसे तेज़ गैस पे भूनेंगे तो बेसन कहीं कहीं से अच्छे से भून जाएगा, कहीं कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए बेसन का भूनना लो गैस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आप इसे लो गैस पे इसी तरह से धीरे धीरे भूनेंगे, उतने ही टेस्टी बेसन के लड्डू हमारे बन के तैयार होंगे। तो देखिए, कितने अच्छे से मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और भैया दूज भी आने वाली है, तो इस त्यौहार पे आप बेसन के लड्डू बनाएं और बेसन के लड्डू को हम 15 से 20 दिन तक अच्छे से डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, इसलिए आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि किसी को देने के लिए बनाएंगे। तो आप इसे दिवाली से पहले भी बना के रख सकते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस थोड़े से पेशेंस होने की बहुत ज़रूरत है और इसे अच्छे से भूनने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। यहाँ पे आप अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को भी लगा सकते हैं कि बीच में थोड़ा थोड़ा इसे चला दे। तो देखिए किस तरह से बेसन ने अच्छे से घी छोड़ दिया है। आप देख सकते होंगे कि पहले इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ड्राई हो गई थी और अब आप देख सकते हैं इसने सारे घी को छोड़ दिया है। तो इसे लगातार इसी तरह से भूनते हुए हमें पकाना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरह की हो गई है, पहले कितना ड्राई था और अब कितना ये लिक्विडी होता जा रहा है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, ये अभी अपनी एक लड्डू वाली फॉर्म ले लेगा। तो देखिए, अब इसमें किस तरह से बबल्स आने लगे हैं। जब इस तरह से इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे उस स्टेज पे, और जब आपका किचन पूरी तरह से बेसन की खुशबू से महकने लगे, तब आप समझ लें कि बेसन अच्छे से भुन गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि बेसन को लो गैस पर ही भुनें। मैंने आपको पहले भी बताया और एक बार फिर से बता रही हूँ, तभी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। तो देखिए, इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक सीक्रेट टिप इसमें आपको देने जा रही हूँ। हलवाई बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे दूँगी। इससे क्या होगा कि बेसन में एक दरदरापन सा आ जाएगा और बेसन अच्छे से फूल जाएगा। तो उससे जो बेसन के लड्डू हैं वो हमारे बढ़िया एकदम दानेदार से बनेंगे। तो देखिए, बेसन एकदम अच्छे से फूल गया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस अपने हाथों से थोड़ा सा इसमें छींटा देना है, उसी से ही बेसन अच्छे से फूल जाएगा। थोड़ा सा छींटा मैं पानी का एक बार फिर से दे रही हूँ। तो देखिए, बेसन इससे अच्छे से पक भी जाएगा और अच्छे से फूल भी जाएगा। अब इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे और फिर एक खुली परात में या किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। और
फिर इसे ठंडा करके इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं बेसन किस तरह से अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसे एक परात में निकाल लूँगी और फिर इसे सिर्फ उतना ही ठंडा करना है कि हम इसे अच्छे से टच कर सकें। मतलब इसे बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो आपके लड्डू हार्ड बन जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए, मैंने बेसन को ठंडा कर लिया है, मैं इसे आसानी से हाथ से टच कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले तो इस कड़छी को बाहर निकाल दूँ। इसमें मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर, 1 से 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 250 ग्राम पिसी हुई चीनी। तो चीनी को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, अगर आपके पास भूरा हो या तगार हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एकदम सिंपल तरीके से जो घर पे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उससे बनाना सिखाया है। तो आप चीनी को ग्राइंडर में पीस लें, 250 ग्राम चीनी लें, उसे ग्राइंडर में पीस लें और उसे इसमें ऐड कर दें। तो आप अपने हिसाब से मीठे की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं चीनी को अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिला रही हूँ और अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो मिक्सचर था इसका बेसन का, वो पहले से ड्राई हो गया है। अब ये लड्डू बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो अब हम इसके गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैं इसके लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। देखिए कितना आसान है ये लड्डू बनाना, बस बेसन को अच्छे से भूनना बेहद ज़रूरी है। और बूरा इसमें तभी मिलाएं जब ये थोड़ा सा हल्का सा निवाया गर्म हो, एकदम गर्म गर्म में भी बूरा ना मिलाएं या चीनी ना मिलाएं, और एकदम ठंडे में भी चीनी ना मिलाएं। तो देखिए, हमारे लड्डू बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बेहद टेस्टी लगेंगे। तो देखिए, आपको मैं एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देखिए, बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू बने हैं, कितने सॉफ्ट और टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन ज़रूर कर लें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलूँगी आपके साथ इसी तरह की एक बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ।